तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सवाल दिया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। दोस्तों आप लोगों ने उसका आंसर दिया भी और जिन लोगों को उसका आंसर नहीं पता है यहाँ पर मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं सवाल कि सवाल क्या था। दोस्तों यहाँ पर सवाल था वो क्या है जो जिसका है वही देख सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है आखिर वो चीज क्या है जो जिसका है वही देख सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर था सपना। दोस्तों यहाँ पर सपना जिसे भी आता है वही देख सकता है, कोई दूसरा उसका सपना नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर सपना इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बिना देरी किए हुए देख लेते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों यहाँ पर आज का पहला सवाल है वो कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका समय। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नाई। दोस्तों यहाँ पर नाई जो है आपके बाल काटता है तो आपके बाल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है, यानी आपका माल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल है ऐसी कौन सी चीज है जिसको बहुत खराब माना जाता है फिर भी लोग उसको पीने की सलाह देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका सही जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों सोचिए, शुरू होता है आपका समय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुस्सा। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं गुस्सा को खराब माना जाता है लेकिन लोग उसे पीने की सलाह देते हैं कि गुस्सा को पी जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसका अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इसका ऐसी क्या चीज है जो ना मिले तो हाथ से काम चलाना पड़ता है। चले दोस्तों यहां पर शुरू होता है आपका समय। तो चले दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो है चम्मच। दोस्तों अगर आपको चम्मच ना मिले तो आपको खाने के लिए हाथ से काम चलाना पड़ता है, यहां पर इसका चम्मच सही आंसर होगा। चले दोस्तों यहां पर देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है इसका एक हाथी तालाब में गिर गया, बताओ अब वह कैसे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहां पर शुरू होता है आपका समय। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है गीला होकर। दोस्तों एक हाथी तालाब में गिर गया, अब वह गीला होकर ही बाहर निकलेगा। चलिए दोस्तों यहां पर बिना देरी किए हुए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है इसका ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते। यहाँ पर आपको बताना है उस कोट के बारे में जिसे पहना नहीं जा सकता। तो चले दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका समय। तो चले इसका जो सही आंसर होगा वो है पठानकोट। दोस्तों यहाँ पर पठानकोट एक शहर का नाम है और इस कोट को पहना नहीं जा सकता। तो चले दोस्तों यहाँ पर जाते जाते मैं आपको एक सवाल देते जाता हूँ, यहाँ पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और अगर नहीं आता हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको इसका सवाल प्रोवाइड कराएंगे। तो चले दोस्तों यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़की साल में एक बार खरीदती है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए चलिए दोस्तों थैंक।